हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे घर में मछली बन रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी को मैं इस यूट्यूब पे डालता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसमें एक कढ़ाइया में तेल गरम करते हैं। तेल को हम बहुत ही अच्छे से गरम होने देंगे एकदम खोलते हुए। इसमें गरम होते ही आप इसमें नमक डाल सकते हैं, जैसे देख रखे आप नमक डालते हैं। नमक डालने से ये होता है कि जब आप फिश फ्राई करेंगे तो उसके अंदर तक नमक चला जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें करेंगे ये कि उस पर अब हम फिश के पीसेस डालेंगे और इसे जो है कुछ फ्राई करेंगे इसी तेल में। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फ्राई हो रहा है और ये धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा फ्राई भी होना चालू हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर का टेक्सचर आ रहा है। आपको इसे गोल्डन ब्राउन तक ही इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर का टेक्सचर आ रहा है। अब हम करेंगे कि अब फ्रेश फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब चाहे तो इसे डायरेक्ट खा भी सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम करेंगे कि जो बाकी जो पीसेस हैं उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सेम इसी तरह इसको भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बाकी बचे पीसेस को भी हम फ्राई करते हैं। गाइस, आप इसे डायरेक्ट ईट भी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम करेंगे ये कि जो तेल जो बचा हुआ था उसमें दो पूरी लहसुन की कलियां डाल देंगे और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब करना यह है कि इसमें आपको प्याज लेना है, उसे जो जैसे आप चिली मंचूरियन चिली पटेटो वाला जो कट पीस करते हैं उसी तरह एक प्याज को काट के उसको अच्छे से भून लेंगे और उसमें तेज पत्ता भी मिला देंगे। थोड़ी देर प्याज को भूनते हैं। भूनने के बाद इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम पेस्ट डालते हैं। ये जो पेस्ट है इसमें हमने दो टमाटर लिया है, डेढ़ प्याज लिया है और एक पूरा लहसुन की कली ली है। इसको हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे और ये जो पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको इसमें करना है कि छोटा सा चुटकी भर आपको हींग डालनी है। अब आपको इस जो पेस्ट है जो मसाला है उसको आपको कम से कम इतनी देर तक पकाने कि इसमें ऑयल छूट जाए। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कि मसाला ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। लगभग इसे हम 10 मिनट तक कम से कम इसे भूनेंगे इस मसाले को। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल दिख रहा है। अब करेंगे ये कि इसमें हम मसाले डालेंगे। तो इसमें हमने धनिया पाउडर डाला है, सब्जी मसाला डाला है और थोड़ा सा हल्दी डाली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इस चीज़ को कर सकते हैं और इसमें लाल मिर्च भी डाला है और गरम मसाला भी पड़ता है इसमें। अब इस मसाले को पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम इतना भूनना है कि ये मसाला बिल्कुल लाल ब्राउन कलर का हो जाए। ध्यान रखना है कि मसाला ज़्यादा जले ना, कम से कम इसे आप मिनिमम मान के चलिए कि इसे अब मसाला डालने का 15 मिनट तक भूनना है। अब इस मसाले को हम एक अलग पतीले में निकाल देंगे
और इसमें करेंगे कि इसमें आप 1 गिलास कम से कम पानी डाल ले। और इसमें हल्का सा आप स्वादानुसार नमक भी डाल सकते हैं। अब इस पानी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो अंदर का जो मसाला जो कढ़ाई में जो चिपका हुआ मसाला है वो भी छूट जाए और एक उबाल आने देंगे। अब उबाल आने के बाद हम ये करेंगे कि जो मसाला जो हमने भूंज के रखा था उसे इसमें कढ़ाई में डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें जो फ्राई की हुई फिश थी उसको भी अब हम डाल देंगे। और जो बाकी जो मसाला जो कटोरी में आपको दिख रहा है उसको भी हम पूरा डाल देंगे इसमें। आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मसाला डालेंगे वो अपना स्वादानुसार ही डालिएगा। अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम आंच पे ताकि पूरा जो है तो जो कड़ी है इसका अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए इस कड़ी में। आपको ध्यान रखना है कि पानी ना ही ज़्यादा हो जाए और ना ही पानी बिल्कुल कम हो जाए, एक मीडियम कंसिस्टेंसी पे रहे ताकि इसमें जो है टेस्ट अच्छा आता है। आपको इसे कम से कम मान के चलिए कि आपको इसे 10 मिनट तक और पकाना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम दोनों लगती है और मम्मी की डांट भी खानी पड़ती है। प्लीज़ प्लीज़ कृपया इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर करें। आप देख सकते हैं कि फिश फ्राई जो है हमारी जो है फिश की सब्जी जो है बहुत अच्छे से बन चुकी है। थैंक यू सो मच।